आपके साथ अंकिता पाल बुडिंग की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान से कई औद्योगिक इकाइयों के लिए चयनित छात्रों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सदन में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया और कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवाओं के रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा करना ही सरकार का लक्ष्य है। सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। आज जिनके निमित्त ये नियुक्ति पत्र प्रदान करने का समारोह यहां पर हो रहा है, ऐसे मेरे सभी नियुक्ति प्राप्त करने वाले छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो आप सबका, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे और मैं कह सकता हूं कि अधिकांश 95% से ज्यादा जो हमारे नियुक्ति प्राप्त करने वाले नवोदित और उदयमान प्रतिभागी हैं, वो सारे के सारे पहली बार यहां आए होंगे। प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तरोत्तर प्रगति पर है नियुक्ति पत्र वितरण का। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उपजिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली है। इस दौरान उन्होंने स्टाफ क्वार्टर का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को भी व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए, जिसके बाद में अस्पताल प्रशासन द्वारा उन्हें अस्पताल में कमियों की जानकारी दी गई है और उन्हें शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया गया, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि अस्पताल में किसी प्रकार की कोई कमी न होने दी जाए और सरकार लगातार प्रदेश में अस्पतालों की स्थिति सुधारने का काम कर रही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर धन सिंह रावत ने यह भी बताया कि उपजिला चिकित्सालय मसूरी में शीघ्र ही मोर्चरी बनवाई जाएगी और स्थान भी चिन्हित किया गया है। देखिए, मैं आज दौरे से आ रहा था पहाड़ के और मैं सोचा कि यहाँ के उपजिला चिकित्सालय को जरूर देख के आऊँ। तो कुल मिला के यहाँ पे डॉक्टर भी पर्याप्त मात्रा में हैं, अब स्टाफ नर्स भी हमने पूरे प्रदेश में 1500 स्टाफ नर्सों को भेजा है, अब टेक्नीशियन भी हमने सभी जगह भेज दिए हैं और यहाँ पे एक्सरे की मशीन भी है, सीटी स्कैन मशीन भी है, अल्ट्रासाउंड की मशीन भी है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन योजना के तहत नवंबर दिसंबर महीने में होने वाले शीतकालीन सत्र से ई विधानसभा शुरू करने की तैयारी है। देहरादून विधानसभा भवन में आपको बताते चले कि ई विधानसभा के लिए मरम्मत और नवीनीकरण के कार्य चल रहे हैं। इसी महीने तक सिविल कार्य पूरे हो जाएंगे, जिसके बाद आईटी सिस्टम का काम किया जाएगा। साथ ही कई राज्यों में ई विधानसभा शुरू हो जाएगी, लेकिन उत्तराखंड में अभी काम चल रहा है। पहले चरण में विधानसभा के मुख्य मंडप, सभागार कक्ष, नेता प्रतिपक्ष और दलीय नेताओं के कक्षों का नवीनीकरण कार्य किया जा रहा है और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने भी 31 जुलाई तक सिविल कार्य पूरा करने के लिए समय सीमा तय की है। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद में वन विभाग की भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमणकारियों को हटाया जा रहा है। इसी को लेकर भी पिछले दिनों तराई पश्चिमी द्वारा रामनगर के मालधन क्षेत्र में रह रहे अतिक्रमणकारियों से तराई पश्चिमी द्वारा 50 हेक्टेयर की भूमि मुक्त कराई गई थी, जिसमें तराई पश्चिमी द्वारा 40 हेक्टेयर में प्लांटेशन की कार्रवाई भी कराई गई थी। और वहीं जानकारी देते हुए तराई पश्चिम के डीएफओ प्रकाश आर्य ने बताया कि मालधन प्लॉट नंबर 1 में अतिक्रमणकारियों से वन विभाग की भूमि मुक्त कराई गई है, जिसमें कि 4000 मिश्रित वन लगाए गए हैं। जो आज हम हरेला के पर्व पर जो हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, ये मालधन का क्षेत्र है, मालधन नंबर 1 प्लॉट नंबर 1 है हमारा, जो कि काफी समय से अतिक्रमण का
जिसको पिछले बरसात में ही हमने इसको अतिक्रमण से खाली कराया। लगभग 4 हेक्टेयर क्षेत्र है ये। 4 हेक्टेयर क्षेत्र में इस समय जो हम लगा रहे हैं, जो इस समय हमने लिया है इस बार को, अब हालांकि क्षेत्र और बड़ा है ये, अभी ये टोटल लगभग 10 हेक्टेयर है। इसको 10 हेक्टेयर है, इसको फिलहाल 4 हेक्टेयर में लेकर के हम 4 हेक्टेयर में 4000 पौधे यहाँ पे लगा रहे हैं। और हमारी अब चारों तरफ घेरबाड़ कर दी गई है इसके, जो आज हम हरेला के पर्व जो हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, ये मालदन का क्षेत्र है, मालदन नंबर एक, प्लॉट नंबर एक है ये हमारा, जो कि काफी समय से अतिक्रमण था, जिसको पिछले बरसात में ही हमने इसको अतिक्रमण से खाली कराया। लगभग 4 हेक्टेयर क्षेत्र है ये। 4 हेक्टेयर क्षेत्र में इस समय जो हम लगा रहे हैं, जो इस समय हमने लिया है इस बार को, अब हालांकि क्षेत्र और बड़ा है ये, अभी ये टोटल लगभग 10 हेक्टेयर है। इसको 10 हेक्टेयर है, इसको फिलहाल 4 हेक्टेयर में लेकर के हम 4 हेक्टेयर में 4000 पौधे यहाँ पे लगा रहे हैं। और हमारी अब चारों तरफ घेरबाड़ कर दी गई है इसके। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मारवाड़ी के पास में मोड़ पर एक वाहन ऊपर की सड़क से नीचे की सड़क पर आ गिरा है। बताया यह भी जा रहा है कि वाहन में 7 लोग सवार थे, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जोशीमठ अस्पताल भेजा गया। बाकी घायलों की हालत सामान्य है और वाहन जोशीमठ की तरफ आ रहा था, इस दौरान यह हादसा हो गया है। तीन की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। दरअसल ये पूरी जो घटना है वो बद्रीनाथ एनएच पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है और बद्रीनाथ एनएच पर भीषण सड़क हादसा हो गया और इस दौरान सड़क से नीचे सवारी वाहन भी गिर गया, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है और कई लोग घायल बने हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज लगातार जारी है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि बद्रीनाथ एनएच पर की तस्वीरें हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे के बाद में घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में रेफर किया गया है। दिनेशपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवक ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया है, जिसमें उसे मोबाइल की जगह डब्बे में साबुन मिला है और साथ ही शिकायतकर्ता के प्रार्थना पत्र के आधार पर शिकायतकर्ता ने अमेजॉन से 20,999 रुपए का अग्रिम भुगतान पर एक मोबाइल ऑर्डर किया था। जब पीड़ित ने मोबाइल का डिब्बा खोला तो उसके होश उड़ गए और मोबाइल के डिब्बे में 5 साबुन की टिकियां मिली हैं, जिसके बाद में पीड़ित ने तत्काल सूचना अमेजॉन के टोल फ्री नंबर को दी। उसके बाद पीड़ित ने थाना दिनेशपुर में एक प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। सर, हमें फोन अमेजॉन से हमने ऑर्डर करा, वन प्लस नॉर्ड का फोन ऑर्डर किया, हमें फोन की जगह साबुन की टिक्कियां मिली है। तो हमने फिर उस टाइम पे अमेजोन को कंप्लेन करी थी, जिसमें 4 दिन का वक्त चला गया इन्वेस्टिगेशन के दौरान। फिर 5वें दिन हमने पता करा तो उनके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये है कि वहाँ से सारे स्कैन सही आए हुए हैं, उनकी तरफ से मोबाइल भेज दिया गया है, बट हमें ये साबुन की टिक्कियाँ मिली हैं। तो हमने फिर लास्ट में पुलिस थाने आके कंप्लेन करी है कि हमें इसका क्लेम वगैरह कुछ मिल जाए। पौड़ी जिले में शराब के नशे में धुत एक सरकारी शिक्षक पर डीएम पौड़ी ने जांच बिठा दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें गांव के एक ग्रामीण ने शराबी शिक्षक पर नशे की हालत में स्कूल आने का विरोध जताया, तो वहीं शराबी शिक्षक ग्रामीण को धमकाने लगा और कहने लगा कि उसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है कर लो। शिक्षक नशे में इतना चूर था कि ठीक से सवाल का जवाब भी नहीं दे पा रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद डीएम पौड़ी ने वीडियो का संज्ञान लिया और मामले की जांच रिपोर्ट देने के निर्देश मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी को दिए हैं। नशे में ग्रामीणों को धमकाया जा रहा था, साथ ही डीएम ने जांच के आदेश भी दिए हैं। दरअसल ये पूरा मामला पौड़ी का है, जहां पर नशे में ग्रामीणों को शिक्षक धमका रहा था, जिसके बाद में लगातार ये मामला तूल पकड़ने लगा। दरअसल ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा, नशे में धुत शिक्षक का ये वीडियो वायरल हो रहा, जिसके बाद कलेक्टर ने डीएम ने इस मामले पर संज्ञान भी लिया है और जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सफदर थल का ये वीडियो भी वायरल हुआ है, ये मेरे संज्ञान में लाया गया और इस संबंध में मेरे द्वारा सीईओ से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। जैसे ही शिक्षा विभाग के संबंध में रिपोर्ट मिलती है और यदि कोई व्यक्ति
वर्किंग आवर्स में या उनकी ड्यूटी के दौरान शराब पिए हुए पाएंगे, तो अकॉर्डिंगली उस अध्यापक या व्यक्ति विशेष या कार्मिक विशेष के विरुद्ध आवश्यक करेंगे। बाबा भैरव मंदिर ब्रह्मदेव टैक्सी संचालन समिति ने बूम में स्थित कार्यालय के तीन सेक्ट में सभी टैक्सी वाहन स्वामियों के साथ में एक बैठक का आयोजन किया है। बैठक का मुख्य उद्देश्य पूर्णागिरी मेले के दौरान अर्थुलीगार से भैरव मंदिर तक चलने वाली टैक्सियों से हुई आय व्यय का विवरण देना था। इस दौरान यूनियन के पूर्व अध्यक्ष मोहित कनवाल और सहित अन्य टैक्सी वाहन स्वामियों ने पूर्णागिरी मेले में हुए आय व्यय का ब्यौरा मांगा और अन्य समस्याओं के संबंध में चर्चा भी की है। दरअसल ये पूरा मामला टनकपुर से है, जहां पर टैक्सी संचालन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। वाहन स्वामियों के साथ इस बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर जो भी किराये राशि मिलती है उस पर बातचीत और विवरण पर चर्चा हुई है। आपको बताते चले कि पूरा मामला टनकपुर का है, जहां पर टैक्सी संचालन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर सभी टैक्सी संचालन करने वाले लोग उपस्थित रहे और यहां पर किराए का जो भी आय व्यय है उसका स्वामी वाहन स्वामियों के साथ में बैठक हुई, जिसका ब्यौरा अब देना अनिवार्य होगा। भैरव बाबा टैक्सी संचालन समिति की एक बैठक 16/7/2024 को बैठक होनी थी, जिसमें सभी गाड़ी लगभग 70% गाड़ी मालिक यहां पर पहुंचे। कुछ आपसी चलते हुए रंजिश जो कुछ पूर्व अध्यक्ष मोहित कुनवाल के उसमें उनने एक सिस्टम इसको भंग करने का जो किया, इस बीच से सिस्टम के हिसाब से हमने यूनियन को स्थगित कर दी। नेक्स्ट जो ये बैठक होगी उसका हम डेट निकाल के आपको बता देंगे। ऐसा है, पिछली बार यूनियन इसी वजह से इसको पद से हटाया गया मोहित कनवाल को, क्योंकि ये हिसाब नहीं दे पाया। इस बार भी वही हो रखा है, हिसाब ये दे नहीं पाए हैं, तो की सीधी बात है, तो इन्हें भी इस्तीफा देना पड़ेगा। इससे नीचे में कोई भी गाड़ी मालिक मानने वाला है नहीं। मुख्य उद्देश्य यह था पूरी 70 गाड़ियां जो है अपने भाईचारे से, ये पूरा गाँव अपना महर गाँव है गांडावाली तक, तो पूरे जितने भी भाई लोग हैं सबकी बराबरी हो, ये नहीं कि किसी की 500 में चल रही है, किसी की फ्री में चल रही है और कोई बेचारा 1100 रुपए दे रहा है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार आज हर संभव प्रयास कर रही है, ताकि पहाड़ों पर जल का संचय, संरक्षण और संवर्धन हमेशा के लिए हो सके। जो हमारे स्रोत जो सूख गए हैं, जो नदियां हैं, जो पुराने हमारे जल स्रोत हैं, उनको पुनर्जीवित करने का एक अभियान सरकार ने दिया है, लेकिन ये काम तभी पूरा होगा जब उसमें जन जन का सहयोग होगा। इसलिए हम सबको इसमें अपना योगदान देना होगा। देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी नदियां और जल स्रोत हमेशा से ही देश की प्यास बुझा रहे हैं, इन जल स्रोतों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए अपनी नदियों और तालाबों को प्रदूषित होने से बचाने और पानी को संरक्षित करने का संकल्प लें। प्लास्टिक कचरा ना फेंकें, ना ही किसी को फेंकने दें। पुराने तालाबों को बचाएं। इसके साथ साथ रोजमर्रा के जीवन में पानी की हर बूंद को बचाएं, क्योंकि यही है जल संरक्षण का आधार। हमारी छोटी कोशिशें लाएंगी बड़े बदलाव, जैसे कि नल खुला न छोड़ें, अगर कोई नल टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं, चाहे किचन हो या बाथरूम। बेवजह पानी ना बहाएं, जब जरूरत ना हो तो नल बंद कर दें। नहाते समय शावर की जगह बाल्टी का प्रयोग करें। साफ सफाई में पानी को व्यर्थ ना बहाएं, बाल्टी और कपड़े से सफाई भी अच्छी होगी और पानी भी बचेगा। सिंचाई के दौरान पानी का प्रयोग समझदारी से करें, पौधों को जरूरत से अधिक पानी ना दें, इससे खेती भी बेहतर होगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएं, पेड़ पौधे लगाएं। अपनी ये जिम्मेदारी निभाएंगे ना आप? मैं देश के हर उस नागरिक से कहूंगा जो पानी की प्रचुरता में रहते हैं, मेरा उनसे आग्रह है
कि आपको पानी बचाने के ज्यादा प्रयास करने चाहिए और निश्चित तौर पर इसके लिए लोगों को अपनी आदतें भी बदलनी होगी। पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए। पानी को बचाएं, भविष्य को सजाएं। के बाद स्वागत है आप सभी का, रुख करते हैं खबरों की तरफ। राज्य के मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा और साथ ही मदरसों में पढ़ाए जा रहे आधुनिक विषय जैसे कि गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और साथ ही हिंदी में ये पाठ्यक्रम लागू होगा, जिसको लेकर उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शामून कासमी ने बताया कि उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के निर्णय के बाद में शासन स्तर पर इसकी तैयारी भी की जा रही है। और उत्तराखंड में 415 मदरसे रजिस्टर्ड हैं, वहां पर एनसीईआरटी कोर्स को लागू किया गया है और आने वाले समय में मदरसे मुख्य धारा से जुड़ेंगे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो काम किया है, हम उनके नेतृत्व में उन मदरसों के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं और तमाम मदरसों के अंदर जो 415 मदरसे हमारे रजिस्टर्ड हैं, हमने वहां एनसीईआरटी के कोर्स को लागू किया है। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में वो मुख्य धारा में जुड़ेंगे और किसी के भी षड्यंत्र का शिकार नहीं होंगे। ये बात कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि वही लोग मस्जिदों में जाते हैं, वही मदरसों में जाते हैं, उपदेशक बनते हैं। अगर हम उन्हें अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, तो कल जब वो मस्जिद और मदरसों में जाएंगे तो वहां वो शूल नहीं बांटेंगे, वो फूल बांटेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हरेला पर्व के उपलक्ष में गोदली में छात्रों और अध्यापकों ने वृक्ष को रोपकर प्रकृति को हरी भरी रहने में सहयोग दिया है, जिनमें विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापिका शंकुतला चौहान और विनय देव ने भी, नवीन सिंह और साथ ही कैलाश उप्रेती शामिल रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य आरसी सैलानी ने सभी छात्र छात्राओं से पौधारोपण के महत्व को समझाया। पेड़ लगाने के बाद में उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी हम सभी की होनी चाहिए, जिसमें धरती खुशहाल बनी रहे। हरेला पर्व के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर छात्रों और अध्यापकों ने वृक्षारोपण किया है और साथ ही लोगों से भी अपील की कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं। हरेला पर्व पर एक ओर जहां पर सरकार एक पेड़ मां के नाम मुहिम चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर हरेला पर्व पर नियम कानून का दरकिनार कर खद्री क्षेत्र में दर्जनों आम के पेड़ों पर आरी चलाई गई है। जानकारी मिली है कि पेड़ों को काटने के लिए बगीचे में स्वामी द्वारा कई फीट ऊंची दीवार भी खड़ी की गई। स्थानीय लोगों ने मामले में पेड़ों पर आरी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। देखिए, इस गांव के हम मूल निवासी हैं, 47 साल की उम्र हो गई और ये बाउंड्री तो पहले 4-5 फुट की बाउंड्री थी, लेकिन ये बाउंड्री करीबन जो है 10 फुट के आसपास उठाएगी, तो उस मतलब ये एक आभास तो हो गया था कि यार ये मतलब यहाँ इनके अंदर ऐसा कुछ सोना चांदी तो है नहीं, लेकिन जब ये बाउंड्री ऊपर उठ रही थी तो उससे आभास था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो इसमें जो है आज खबर मिली कि जो है अंदर पेड़ कट रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज पूरे प्रदेश में सरकारी अवकाश सरकार ने घोषित किया है, ताकि सरकारी आदमी को भी ये मलाल न रहेगा मेरी छुट्टी होती तो शायद मैं पेड़ लगाता। तो गवर्नमेंट ने सरकारी अवकाश घोषित करा इसलिए कि यार एक वृक्ष तो कम से कम लगाया। इस बार गवर्नमेंट ने एक थीम भी दी है कि एक पेड़ मां के नाम। शुरू होगा जिसकी सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। डीएम और एसएसपी ने बैरागी कैंप पार्किंग और कावड़ पटरी का निरीक्षण किया। डीएम धीराज सिंह अग्रवाल ने भी सभी विभागों के अधिकारियों को अधूरे निर्माण कार्य तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि कावड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पार्किंग और घाटों की सुरक्षा के साथ साफ सफाई का विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। देखिए, कांवड़ पटरी का निरीक्षण आज हम दूसरी बार कर रहे हैं, साथ में जितनी हमारी पार्किंग है, खासकर बैरागी पार्किंग जो हमारी मेन
पार्किंग कांवड़ मास में रहती है, उसका भी निरीक्षण हमारे द्वारा किया जा रहा है। इसमें जो यात्रियों की जो सुविधाएं हैं, खासकर जो पैदल कांवड़ पटरी है, उसमें यात्रियों की सुविधाओं के साथ साथ कहां पर पुलिस की पिकेटिंग हमारी होनी है उसको हम लोगों के द्वारा फाइनलाइज किया गया है। और वहां पर जो हमारे जो जोनल अफसर हैं उनको भी बुला के अभी 1-to-1 वहां पर उनको निर्देशित किया जा रहा है। साथ में आगामी जो कांवड़ यात्रा है उसमें पार्किंग का जो अरेंजमेंट्स है उसको हम लोगों ने QR कोड के माध्यम से इस बार प्रचारित किया है। इसमें हम लोगों की पूरी टीम द्वारा, जिसमें कप्तान साहब भी मौजूद थे और जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स थे जिन्होंने इस कांवड़ पट्टी में काम करना था, रूरल एरिया में हम लोगों ने नारसन बॉर्डर से लेकर दरपाड़ा लोगों ने निरीक्षण कर लिया था। तो आज हम लोग जितने भी हमारे पार्किंग स्थल है, खासकर जो बैरागी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस उस दिन हो जाता है जिस दिन हमारी डांग कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है, वहां से लेकर जितने भी कांवड़ स्थल है उन सब का हम निरीक्षण कर रहे हैं। दिल्ली के बुराड़ी में बंद रहे केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण का विरोध थम चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन के बाद में तीर्थ पुरोहित, साधु संत और व्यापारियों ने आंदोलन को स्थगित कर दिया है। सीएम की ओर से मिले आश्वासन के बाद में मंगलवार को केदारनाथ धाम में आंदोलन को समाप्त किया गया। दरअसल बीती 10 जुलाई को दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम मंदिर के शिलान्यास के बाद में केदार घाटी से लेकर केदारनाथ धाम तक आक्रोश पनप गया था। केदार घाटी में जगह जगह प्रदर्शन भी किए जा रहे थे। वहीं केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित समाज, साधु संत और व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। तीर्थ पुरोहित समाज की ओर से बार बार सीएम धामी के मामले में खंडन की मांग भी की जा रही है। साथ ही तीर्थ पुरोहित समाज का शिष्टमंडल भी सीएम धामी से मिला था। माननीय अध्यक्ष श्री राजकुमार तिवारी जी जो है मुख्यमंत्री से मिले हैं और मुख्यमंत्री जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है श्री केदारनाथ धाम जो बुराड़ी में बनने जा रहा है ये नाम उन्होंने तत्काल हटा दिया है। यदि रौतेला जी ने जबरदस्ती कर दिया है तो हम लोग कोर्ट भी जा सकते हैं और हम तब तक आंदोलन तोड़ेंगे नहीं जब तक जो है इन्होंने ये जो केदार का स्वरूप है और जो केदारनाथ के नाम से जो मंदिर बुराड़ी में बन रहा है तत्काल उनको ये स्वरूप बंद करना होगा। जो यहां का QR कोड नंबर उन्होंने रखा है वो भी उनको बंद करना पड़ेगा। और फिलहाल जो है हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें आश्वासन दिया है उनके आश्वासन से हम लोग जो है संतुष्ट हो गए हैं और हम फिलहाल इस आंदोलन को जो है स्थगित कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष श्री राजकुमार जी से मिले हैं। बाबा बौकनाथ की ऐतिहासिक अयोध्या यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। साथ ही समिति के अध्यक्ष जयंत सिंह रावत, पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। साथ ही परेड ग्राउंड में दूरदराज से आए हुए श्रद्धालुओं ने बाबा बौकनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया है। पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि यह पहली बार होगा जब उत्तराखंड से देवडोली अयोध्या जाएगी और यहां पर ऐतिहासिक दिन भी है और हजारों लोगों की आस्था बाबा बौकनाथ पर बनी हुई है। हाँ, ये हमारी जो है तकरीबन जो है 100 से ऊपर गाड़ियां हैं और 2000 के करीबन जो है यहाँ भक्तगण जो है इस यात्रा में चल रहे हैं और भगवान ने जो है अभी जो मेले का हमने जो प्रोग्राम राज्य मेले का जो रखा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको जो है माना है तो हम मुख्यमंत्री जी के बहुत बहुत आभारी हैं। राजपुरे में इतना ही, नमस्कार। जल संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार आज हर